There's no injury in the brain nerves. Right, doctor? Yes, sir. डॉक्टर मलिक, यस, दिमाग में तो कोई अंदरूनी चोट नहीं है, लेकिन ये पागलों जैसी हरकतें, सच्चाई को ना मानना, ये सब क्या है? दिस इज पार्शियल एमनीशिया। उसके दिमाग का वो हिस्सा जिसमें एक्सीडेंट की याददाश्त है वो मिट गया है, या कहिए कि थम गया है। शी इज इन ए स्टेट ऑफ डिनायल, लेकिन इसे पागलपन नहीं कहा जा सकता। मिस्टर वर्मा, आप अपनी बहू को घर ले जा सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा उसे कोई जज्बाती चोट ना पहुंचे, वरना वो वाकई पागल हो सकती है पूरी तरह से। बस एक हादसा हुआ और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मेरा बेटा चला गया और मेरी बहू विधवा होगी। वह बेचारी अपने पति की मौत से बेखबर है। अब यहां अगर तुम्हारी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मेरी बहू का दिमाग का संतुलन ठीक हो सकता है और मैं उसे किसी की दुल्हन बनाकर इस घर से विदा कर सकूं। और यह तब हो सकता है जब तुम रोहित बनकर सही वक्त में सही हालात में उसके सामने मरने की एक्टिंग करो या कोई एक्सीडेंट करके दिखाओ, ताकि नेहा को यकीन हो जाए कि रोहित वाकई मर चुका है। याददाश्त के उस हिस्से को जागृत करने के लिए, उसे फिर से वही सदमा देने के लिए तुम्हें। समझ गया, पर यह नाटक करने का मुझे क्या मिलेगा? क्या चाहते हो? तीस लाख रुपए लूंगा जान। मैं तुम्हें 40 लाख दूंगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह काम करते हुए तुम्हें अपनी सीमा में रहना होगा और तुम नेहा की गलतफहमी का फायदा नहीं उठाओगे। हमारा तुम पर जो विश्वास है उसे ना तोड़ने के लिए और काम पूरा करने के लिए इतनी बड़ी रकम तुम्हें दी जा रही है। 10 लाख रुपया एडवांस, ये लो। चाहने लगता है मैंने बहुत कम मांग लिया, अगर 50 लाख भी मांगता तो भुट्टा मचे देते। सुना है विकी का अंतिम संस्कार किसी भले आदमी ने किया। इस तरह आंसू बहाती रहेगी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटी। मरने वालों के पीछे मरा नहीं जाता बेटी, तेरे सामने लंबी जिंदगी पड़ी है, हो सके तो उसे भूल जा। नहीं भूल सकती तो इसे पहन ले। कह दूंगी अड़ोस पड़ोस वालों से कि इस घर में कुंवारी विधवा रहती है। हा? 2 दिन में पति को भूल जाते हैं और तू यार को नहीं भूल सकती? और तुम सुन लो, घर का किराया अभी बाकी है, कुछ बंदोबस्त कर दो नहीं तो मैं दूसरा बंदोबस्त कर दूंगी। हा? तुम्हारी इस लाडली भांजी का। Good morning. It's 7 a.m. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Good morning. It's 7 a.m. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day.
ए कौरे सॉरी लक की लॉटरी है नहीं नहीं लगी नहीं कल वाली हरकत के लिए सॉरी कल की क्या कल तुम्हारे मुंह पर जो दरवाजा बंद कर दिया था मैंने उसके लिए सॉरी ओके बताओ आज क्या दिन है आज तुम्हारा इस घर में मेरा मतलब है कि मेरे घर में दूसरा दिन है अरे नहीं बैंगन आज वैलेंटाइंस डे है अच्छा आज के दिन रूठे हुए पति को मनाने के लिए पत्नी की तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे पता है तुम मुझे हैप्पी वैलेंटाइन कैसे विश करोगे ये वापस देकर मेरी मांग में सिंदूर भरकर भरिए ना मैं कैसे भरूं क्यों क्यों नहीं भर सकते वो मैं बताता हूँ क्योंकि इसने अभी तक नहाया नहीं है ना डैडी जी चल बेटे जल्दी करो और नहा लो खुश रहो बेटे सिर्फ खुश रहो चलिए सर पर हाथ रखिए और कहिए जीती रहो सदा सुहागन रहो फंस गया बड्डा जल्दी कीजिए ना डैडी जी मुझे बहुत काम है आज वैलेंटाइंस डे है ओहो आज वैलेंटाइंस डे है जी फिर तो आज मेरी बेटी को शॉपिंग करनी होगी एक काम करते हैं मैं फोन करके जौहरी को यहीं बुला लेता हूँ जो तोहफा पसंद आए गुड आइडिया मगर जौहरी अपनी पूरी दुकान यहाँ लाने से रहा ऐसा करते हैं हम खुद ही जौहरी की दुकान पर चले जाते हैं क्यों रोहित चलो रोहित ये कैसा है ठीक है इसका क्या दाम है 2 लाख रुपए बुड्ढे 10 लाख रुपए ज्यादा दिए तो इस तरह वसूल करेगा हाँ ये बिल्कुल सही है क्यों रोहित अरे रोहित बाबू आप यहाँ आ गए आपने तो दिल्ली से फोन करके कहा था कि वो नया सेट आज वैलेंटाइन के दिन आपको स्विट्जरलैंड में चाहिए और उसका पता आप देने वाले थे मैं तो आपके फोन का इंतजार कर रहा था खैर शादी मुबारक हो आपका सेट तैयार है पूरा सेट इतना खूब बना है कि क्या बताऊं रोहित बाबू आपने ऑर्डर देते वक्त कहा था ना कि आपकी होने वाली पत्नी जितनी खूबसूरत होगी उतना ही खूबसूरत सेट बनना चाहिए और बिल्कुल वैसा ही हुआ है तुमने अपने होने वाली पत्नी के लिए पहले से ही वैलेंटाइन्स गिफ्ट बनवा लिया और मुझे बताया तक नहीं कैसे हस्बैंड हो तुम अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं राइट रोहित बाबू अब कितने का फटका लगने वाला है ये देखिए 80 लाख का सेट है आपने जितना पेमेंट किया था उसमें काम पूरा हो गया हो गया हाँ अरे आप तो इतने अच्छे आदमी कहाँ थे आप इतनी देर से नमस्ते नमस्ते वाओ इट्स ब्यूटीफुल इससे अच्छा गिफ्ट और क्या हो सकता है आई लव यू रोहित एंड आई लव दीज डायमंड्स अरे रोहित एक मिनट वो नेकलेस तो दो थैंक यू कैसे हो रोहित और तुम कैसी हो नेहा बेटी मैं ठीक हूं आप कौन हैं अरे बेटी मुझे नहीं पहचाना मैं अशोक डॉक्टर अशोक मलिक डैडी जी हाँ बेटे आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या ठीक है हाँ क्या हो गया नहीं नहीं बेटा इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है मैं तो इनका फ्रेंड हूँ अच्छा अच्छा डैडी जी ये देखिए रोहित ने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा है पता है रोहित ने शादी से पहले ही ऑर्डर दे रखा था तोहफा अच्छा है अच्छा क्या है बुड्ढे बहुत अच्छा है 80 लाख का रोहित
तुम बदल गए हो। आजकल तुम अपने आप से क्या बातें करते रहते हो? वो मैं, ये मेरी बचपन की आदत है। कहाँ बचपन से तुम? बचपन की नहीं, इसकी जवानी की आदत है। अब इसे तुम ठीक कर देना। गुड नाइट डॉक्टर अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी जी। गुड नाइट बेटे। सुनो, ये नींद की गोलियां हैं। सिर्फ एक गोली, सिर्फ एक गोली किसी चीज में डालकर नेहा को पिला देना। बहुत स्ट्रांग है। यहां से निकल ले जाने। प्रताप, प्रताप। नेहा अभी भी सो रही है अशोक। जब जागेगी तो उस चोर विकी के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा मैं? उसे नींद का इंजेक्शन दे दो ताकि वो सोती ही रहे। एक बात बताओ, आखिर कब तक और कितने दिनों तक उसे दवाइयां और इंजेक्शन देकर सुलाते रहोगे? प्रताप, ये दवाइयां बड़ी स्ट्रांग होती हैं, उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। अशोक, प्रताप, मेरी मानो तो नेहा को SLM में भर्ती कर दो। नहीं अशोक, नहीं। चाहे मुझे 1000 तकलीफें क्यों ना सहनी पड़े, मैं सह लूंगा, लेकिन अपनी बहू को पागल खाने हरगिज नहीं भेजूंगा। मैंने अपना बेटा खोया है, अब बेटी जैसी बहू को मैं खोना नहीं चाहता हूं। प्रताप, अरे उसका पागलपन संभालते संभालते एक दिन तुम खुद पागल हो जाओगे। परवाह नहीं, अपने बेटे के लिए पागल होना मुझे मंजूर है, लेकिन उसका पागल खाने जाना मुझे मंजूर नहीं है। फिर तुम्हारे पास उसके गमों का इलाज नहीं है तो ना सही, लेकिन वो है ना सारे संसार का डॉक्टर, वो मेरी बेटी के दुखों का इलाज करेगा। उसके पास हर गम का इलाज है और मेरा उस पर विश्वास है, अटल विश्वास है।